Question 190, Dr. Lakshminarayan Pandey. Thank you. Question number 190. Yes, Minister of Chemicals. एक विवरण सदापत पटक दिया गया है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है कि कतिपय उर्वरक उत्पादक कंपनियों का अभी भी जो उनको धनराशि दी जाती है वो बकाया है। एक उसका कहा कि इसकी कोई समयावधि नहीं है और जब भी समय आएगा हम उसको देंगे, लेकिन आखिर कोई समयावधि आप निश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे? एक और दूसरा, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि कतिपय फर्टिलाइजर उत्पादक कंपनियां जिनको सब्सिडी दी जाती है अपने उत्पादन की मात्रा तो अधिक बताती है लेकिन उस उत्पादन उनसे कम होता है और वे अपनी सब्सिडी प्राप्त कर लेती हैं, तो माननीय मंत्री महोदय ने ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई? ठीक, थैंक यू। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, फर्स्ट पार्ट? आपने जो सब्सिडी की बकाया राशि के बारे में कहा है कि उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और हम शीघ्र ही देंगे, तो शीघ्र ही देंगे ये तो कोई अर्थ नहीं हुआ। आपने अपने उत्तर में ये कहा है, कृपया देखिएगा, हालांकि सरकार बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने का प्रयास कर रही है लेकिन बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। आखिर कब तक आप उसको लंबित करेंगे? सर, ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी का काफ़ी रकम होता है और पिछले साल में 34,000 करोड़ रुपये का सब्सिडी का कुल मिलाकर के था, जिसमें 22,000 करोड़ रुपये तो दे दिए गए, 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा उनका बचा था। इसमें जो अभी थर्ड सप्लीमेंट्री है उसमें 3,500 करोड़ रुपया दिया गया है, बाकी 8,000 करोड़ रुपया बचा है। 8,000 करोड़ रुपये के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर से भी पत्र लिखा है और फाइनेंस मिनिस्टर से भी बातचीत किया है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि इसका भुगतान भी जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हर साल सब्सिडी के जो पैसे होते हैं कुछ ना कुछ बकाया रहता है और आगे पेमेंट होते रहते हैं, इसलिए इसमें जल्द का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितना, 15 दिन या 20 दिन, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हम लोग हैं, हम सब लोग ने मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो बकाया का भुगतान है वो शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए। सेकेंड सप्लीमेंट्री, मेरा प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर नहीं दिया, तो सेकेंड, अभी सेकेंड सप्लीमेंट्री में होगा। अच्छा, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या आपको कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त की, कुछ कंपनियों ने सब्सिडी तो प्राप्त कर ली है लेकिन उसके बावजूद उनका जो इतना उत्पादन नहीं होना चाहिए उत्पादन उन्होंने नहीं किया, और ख भाग मेरा ये है कि क्या है सही कि सब्सिडी जिनको नहीं मिली थी या मिल गई उसके बाद भी यूरिया का जो उत्पादन होना चाहिए वो यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ और यूरिया का संकट पूरे देश भर में बना रहा? सर, जहाँ तक सब्सिडी का देने का प्रश्न है, वो हम सब्सिडी तभी देते हैं जब राज्य सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट आ जाता है। जो शुरू में 85% तक हम सब्सिडी, तो जब उनका चलता है माल जहाँ से वो चलाते हैं उसके आधार पर देते हैं, लेकिन बाकी जो पैसा होता है वो बाकी पैसा हम उनको तब देते हैं जबकि राज्य सरकारें सर्टिफिकेट दे देती है कि इनका माल, क्या कहते हैं, कि पहुँच गया है। दूसरा, जहाँ तक सवाल है कि इसमें यदि कहीं कहीं शिकायतें आती है तो उसके संबंध में जो है कार्रवाई की जाती है। दूसरी बातें, हम ऑनलाइन सिस्टम अब कर रहे हैं। और जहाँ तक यूरिया का सवाल है, आपको मालूम है कि यूरिया का जो स्कार्सिटी का जो मामला है वो कई राज्य से, क्या कहते हैं, कि आते रहे हैं, लेकिन इतना ही सत्य है कि जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें हमेशा बात करती हैं कि कितना हमारा रिक्वायरमेंट है और कितना आपने दिया। डिपार्टमेंट हमेशा इस बात को देखती है कि कितना अवेलेबिलिटी है और कितना आपने बिक्री किया, तो हमारे पास में पूरा का पूरा आंकड़ा कहेंगे, सदन के पटल पर रख देंगे। कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जिनके पास में जितना अवेलेबिलिटी था उसका उन्होंने वितरण किया हो। हाँ, वितरण सिस्टम में कहीं कहीं जरूर, क्या कहते हैं, डिफिकल्टीज है कि अभी जो वितरण का सिस्टम है तो जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकार जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके, कंपनी के साथ में टाई अप करके ये पता लगाती है कि हमारे स्टेट में फर्टिलाइजर की कितनी आवश्यकता है और कौन कंपनी है, कितना फर्टिलाइजर, क्या कहते हैं, कौन कंपनी देगी, कहाँ देगी, कब देगी, कैसे देगी, रेक से देगी, रोड से देगी, ये सारा का सारा उनके बीच में आपस में टाई अप होता है। जहाँ तक यूरिया का सवाल है, 50% यूरिया कंट्रोल में है, उसकी जवाबदेही तो हम लेते हैं। 50% डी कंट्रोल है,
एमओपी टोटली डी कंट्रोल है, डीएपी टोटली डी कंट्रोल है, ये सारा का सारा जगत है कि उनका आपस का टाई अप होता है। दिक्कत ये होती है कि एक स्टेशन पर मान लेते हैं कि पहुंच गया, किसी बड़े जंक्शन पर पहुंच गया, मान लेते हैं गया है, गया पहुंच गया, अब गया यदि पहुंच जाता है और औरंगाबाद नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टोटली क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ हमको शिकायत मिलती है इमीडिएट उसके ऊपर में हम तुरंत क्या कहते हैं कार्रवाई करते हैं, और 1 अप्रैल से हम ऑनलाइन सिस्टम करने जा रहे हैं। सारा का सारा सिस्टम हम यहीं से अब हम मॉनिटरिंग करेंगे, और अब कंपनी को भी तब पैसा मिलेगा जबकि कंपनी जो है वहाँ माल पहुँचा देगी डिस्ट्रिक्ट में। उसके लिए हम अलग से प्रावधान उनको कर रहे हैं कि पहले एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता था। डी कंट्रोल वाले करते थे क्या कि जिस कंपनी को डी कंट्रोल है वो कंपनी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे ना जैसे हरियाणा में हुआ, तो डी कंट्रोल जो उनका क्या कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर है उसको बगल के स्टेट में बेच देते हैं, वो दूर में ले जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इसमें हमको कम पैसा मिल रहा है। इसलिए जो पैसा का भी उसका कम का मामला था, 197 करोड़ रुपया करीब करीब उसमें अमाउंट आता है, उसके लिए भी क्या कहते हैं कि हम उसको बढ़ाने का हमने क्या कहते हैं कि निर्णय ले लिया है। तो 1 अप्रैल से और जो अभी का आ रहा है खरीफ का, मैं समझता हूँ कि इस बार से कोई उसमें क्या कहते हैं कि हमको दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन एक बात हम जरूर माननीय सदस्य से कहना चाहते हैं कि आपने जो कहा कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी कुल मिलाकर के जो हमारा कैपेसिटी जो है वो 197 लाख टन का है, और 200 लाख टन तक हमारा उत्पादन होता है, कैपेसिटी 100% है। उसमें हमारे दो तरह के प्लांट हैं, कुछ प्लांट जो है नेफ्ता के द्वारा चलते हैं, कुछ प्लांट हमारे जो है चलते हैं गैस के माध्यम से चलते हैं। गैस के माध्यम से जो हमारा उत्पादन होता है वो 65% होता है, लेकिन सब्सिडी क्या कहते हैं कि उसमें 35% लगता है। नेफ्ता के माध्यम से 35% प्रोडक्शन है, लेकिन सब्सिडी उसमें 65% क्या कहते हैं कि लगता है। तो ये नेफ्ता का जो प्लांट है वो काफ़ी पुराने हैं, सारा चीज़ है, तो हम लोगों ने कहा है कि अगले 3 साल में सारे के सारे प्लांट कुछ कहते हैं कि बदल करके हम गैस वेद क्या कहते हैं कि प्लांट करने काम करेंगे। और जो हमने इनिशिएटिव भी दे रहे हैं, हमने कहा है कि अब 110% तक यदि कोई प्रोडक्शन करेगा तो 65% उसका जो मुनाफा है वो केंद्र को आएगा और 35% कंपनी को जाएगा। लेकिन यदि 110% से ज़्यादा वो करेंगे, उत्पादन करेंगे 110% से ज़्यादा करेंगे, तो फिर 100% मुनाफा उन्हीं को मिलेगा। तो इसलिए सर जो मेन चीज़ है कि हम एक तरफ से प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरा हमारे पास में प्रॉब्लम है कि अभी तक जिस इस तरह इस साल में 252 लाख टन का हमारा कहते हैं खपत हुआ है, और प्रोडक्शन 197 लाख टन का हुआ है यूरिया का, बाकी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इम्पोर्ट जो चूँकि हमारे पास में अवेबिलिटी कम रहती है तो इम्पोर्ट जो करते हैं, तो हम राज्य सरकार से भी हमने अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बैठक बुलाई थी और उनसे भी हमने आग्रह किया था कि आप क्या कहते हैं कि ब्लॉक लेवल तक जाइए, असेसमेंट कीजिए कि कितनी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को ला करके हमारे पास में दीजिए, हम उसको क्या कहते हैं पूरा करेंगे। और जो आपने सवाल उठाया है कि उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कौन कंपनी कितना क्या कहते हैं पैदावार कर रही है और 100% उसका कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। थैंक यू एनी मोर आई थिंक आई रिकवर्ड एवरीथिंग ऑल मैटर्स रिगार्डिंग यस क्लेरिफाइड प्रोफेसर मल्होत्रा। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कई बार इसकी घोषणा हुई कि ये जो सब्सिडी दी जा रही कंपनीज को, ये डायरेक्ट किसानों को दी जा सकती है, इसके बारे में कई बार योजनाएं बनी, कई बार इसका विचार हुआ, सरकार ने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? ठीक, ये कंपनियां हैं जिनको आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो कंपनियां इसका कई जगह दुरुपयोग करती हैं, कई जगह इसका भेजा इस्तेमाल होता है, आप इसका विचार क्यों नहीं करते कि ये किसान को डायरेक्टली सब्सिडी जो है उसको दी जाए? सर, अभी आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का बजट स्पीच हुआ है उसमें उन्होंने डायरेक्ट सब्सिडी के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहा है, लेकिन अभी वो सरकार के विचाराधीन है। लेकिन जहां तक हमारा मिनिस्ट्री का सवाल है, पर्सनल मेरा सवाल है, मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिए करता हूं कि किसान को उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि 4,830 रुपया यदि सब्सिडी किसान को मिलता है तो किसान को तो उसी रेट पर कल भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। यदि हम कह देंगे अभी तो अभी कंपनी को देते हैं और किसान को सीधे जाकर के उतना पर मिलता है,
कल किसान को ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, तब सर्टिफिकेट के आधार पर क्या कहते हैं उसको जो है पैसा मिलेगा। तो ये जो चीज़ है तो हम इस पर हम कंसल्टेटिव कमेटी में भी हमने इस बात को रखा है, इस पर हम गहन अध्ययन कर रहे हैं कि देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि डायरेक्ट सब्सिडी किसान को दिया जाए, लेकिन वो डायरेक्ट का मतलब इनडायरेक्ट हो जाएगा और इनडायरेक्ट का मतलब फिर इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। इसलिए हम उस पर जो है गंभीरता से विचार कर रहे हैं, गो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका क्या कहते हैं कि घोषणा किया है, एक जिला को हम प्रत्येक राज्य में एक एक जिला को हम लेंगे। थैंक यू। यू लाइक इट और नॉट? उन्होंने बजट स्पीच में राष्ट्रपति की स्पीच में श्री राधा कृष्णन नथिंग टू बी रिकॉर्डेड। नहीं नहीं नहीं, मैंने श्री राधा कृष्णन नो हो गया मिनिस्टर साहब, ये नहीं कहा। प्लीज आई हैव नॉट अलाउड हिम, आई एम डोंट रिस्पोंड टू ऑनर नॉट परमिटेड क्वेश्चन। ये श्री राधा कृष्णन वेरी ब्रीफ ब्रीफ क्वेश्चन। द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स Limited Alway, once considered to be the oldest and the largest public concern in the state of Kerala. Yes. Now it is on the it is now declining due to the wrong policies followed by time and again. Now, what is the proposal for waiving the oldest public concern of the state? This is pending subsidy bills. There was a proposal of Rashtriya Chemicals amalgamating Rashtriya Chemicals with FACT, and thereby a united concern may be started. By that way, there was a proposal of reviving it. What exactly? No, no, does not arise. How are you going to revive it? You sent by in writing. Already been revived. Oh, it has been revived. It has not reached him. Then see, Tathagat Satpati. I have thoroughly a personal knowledge about it. The revival proposal has not been. You bring in no. Bring in no con. Yeah, no, I represent the state, sir. I know personally that the revival. Don't record proposal, in word. Sir, I would like to know through you. You have got enough remedy open to you, Mr. Radha Krishna. If he has given a wrong answer, you can take action. Sir, this is a rainy day, a very pleasant weather outside, and it is a happy occasion that a very senior member of the cabinet please take your seat and he has please take your seat. He opposes the part if of he has the given speech, a wrong answer you can we welcome his stand, and Paswan ji is known as a revolutionary. Please, therefore, I cannot decide sitting here, can I? Therefore, you take initiate action. We welcome Paswan ji's stand of opposing the union budget of 2007-2008. Sir, I would you like should to be a role model instead of your whether government others, is yes. aware. Yes, Mr. Satpati's question. Only sir, his I question. Would like to know through you whether government is aware that it has been a chronic problem in this country for more than a decade, where companies manufacturing fertilizers yes. have created knowingly shortages to jack up market prices. Where it's a question of pending subsidy. We have traveled much further from that. Sir, yes, please ask about subsidy. Sir, please listen to me, sir. Where they can sell no, their non-subsidized fertilizers. And, sir, products like DAP, which are decontrolled, are much more in demand, whereas items that are controlled are not. Yes. And it is for these items that government is shelling out thousands of crores as subsidy, yes. which only goes to add to the profit of now. Fertilizer companies. Yes. Who do question. No research, please development, question, or Mr. field sir. Education. Yes. So, sir, I would like to know yes. from the Honorable Minister, yes. how does he plan to handle the items that are controlled and which are not controlled, the decontrolled items and the controlled items? You deal only because with subsidy. Yes. Mr. Minister, you only deal with the subsidy question. Yes. yes. So subsidy ke baare boliye aur kuch. Isme subsidy ka koi question hi nahi hai. आप जाके मीट कीजिए उनको, मीट कीजिए अलग जगह। क्वेश्चन 191 श्री राजामोहन रेड्डी।